चलो आज निकालो बत्ती 22। बत्ती 22 और हम पढ़ेंगे पहले पद से लेकर चौदहवें पद तक, मत्ती 22 114 का। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उन्होंने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए और कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है पर निमंत्रित लोग उधर न ठहरे, इसीलिए चारों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले चारों में जाओ ना थे चोराओं में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पाँव बंद कर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत खींचना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। अभी आज के वचन से बहुत ध्यान से समझना कि परमेश्वर क्या सिखाने के लिए जा रहे हैं, और जैसे जैसे परमेश्वर की आवाज़ आती रहे वैसे वैसे अपनी कॉपी में लगातार लिखते रहो। सिर्फ पद मत लिखना, पद लिखने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो जैसे जैसे परमेश्वर की आवाज़ निकलती रहेगी वैसे वैसे उसको लिखते जाना। यहाँ पर प्रभु से दृष्टांत में लोगों से बात की और प्रभु से ने ऐसा कहा कि स्वर्ग का राज कैसा है। तो प्रभु से ने सिखाया कि स्वर्ग का राज एक राजा के समान है कि उसका एक बेटा था और उस बेटे की शादी करनी थी और शादी का दिन आ गया और शादी का खाना जो था वो शादी का खाना तैयार कर दिया गया। लेकिन जिन जिन लोगों को बुलाया गया था अभी वो निमंत्रित लोग अभी तक आए नहीं थे, तो राजा ने अपने नौकरों को बुलाया कि आप जल्दी से जाओ और जो जिनको निमंत्रित किया है उन सभी को बुला कर लेकर आओ। तो जब निमंत्रित जिन लोगों को किया गया था उनको बुलाने के लिए जब नौकर लोग गए तो ऐसा हुआ कि जो लोग निमंत्रित किए गए थे उन्होंने वहाँ पर आना नहीं चाहा। उन सभी ने कोई ना कोई बहाना बता दिया और वो लोग जो है वहाँ पर नहीं आए। अभी क्या हुआ कि राजा ने देखा कि मैंने तो बहुत लोगों को बुलाया था, अरे बुलाने के हिसाब से मैंने तो खाना भी बनवाया था। तो लोग हिसाब से खाना बनाते हैं कि चलो मैंने 500 लोगों को निमंत्रित किया है तो 500 नहीं 520 लोगों का बना देते हैं। हो सकता है कहीं से दो चार लोग ज़्यादा आ जाए तो फिर क्या हो। तो इस कारण से क्या करते हैं कि लोग ज़्यादा खाना बनाते हैं ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो, कोई ज़्यादा भी खाने वाला हो तो भी कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से लोगों खाने पर बुलाया तो कोई आया ही नहीं। अभी मालूम नहीं कितने लोगों को बुलाया था लेकिन चलो हम अंदाज मारते हैं कि चलो राजा है तो उससे ज़्यादा नहीं, अगर 5,000 लोगों को भी बुलाया तो मुझे लगता है कि 5,500 लोगों का खाना बनाया होगा वहाँ पर। और
राजा है तो अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाई थी, ज़्यादा वस्तुएं बनाई होगी, ज़्यादा आइटम रखे होगी। और क्या हुआ कि जब नौकर लोग वापस आए तो कोई भी नहीं आया था। तो राजा बोल रहे कि जिसको निमंत्रित किया वो बोले कोई नहीं आ रहा है, सभी लोग बहाने बता रहे। राजा बोलता है खाना तो बन चुका है, अभी ये खाने को हम क्या करें, इतना खाना हम कहाँ पर फेंकने के लिए जाएंगे, और फेंके भी क्यों, हमने तो लोगों को खिलाने के लिए बनाया है। तो राजा ने बोला अपने नौकरों को कि एक काम करो, वापस जाओ और शहर के चौराहे के ऊपर जाओ, जो मिले जैसा भी हो, अंधा लंगड़ा गूंगा बहरा या कोड़ी या कोई भी हो, कैसा भी हो, आवारा घूमने वाला जैसा भी हो, लेकिन बुला बुला कर लेकर आओ। जब खाना इतना सब कुछ बनाया हुआ है तो फिर खिलाना तो पड़ेगा, इसको हम फेंकने वाला तो है नहीं, तो बोले सभी को लेकर आओ। तो अभी क्या हुआ कि लोगों को बुलाना शुरू कर दिया और नौकर लोग वापस गए, जो भी मिला जैसा भी मिला। अब इनको पहले तो निमंत्रित किया नहीं गया था क्योंकि योग्य नहीं जाना होगा, लेकिन अब इन लोगों को निमंत्रित किया गया, सभी लोग खुश हो गए, बोले क्या बात है, राजा के घर में खाना, और सभी लोग जो है वो वहाँ पर चले गए। कोई वहाँ पर चले गए तो एक इंसान तो ऐसा था कि जिसने शादी वाला कपड़ा नहीं पहना था। तो राजा क्या वहाँ पर घूमने के लिए निकले, मतलब जहाँ पर खाना होता है, कभी भी देखना जहाँ पर शादी होती है खाना रखा होता है, तो जिसके बेटे या बेटे की शादी होती है वो लोग ज़्यादातर वहाँ पर घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, कैसा भाई साहब खाना खाया कि नहीं, खाना पेट भर कर जाना अच्छे से खाना। कई लोग तो पूछ भी लेते हैं भाई खाना अच्छा तो बनाया ना, कोई व्यवस्था में कोई इधर उधर की बात तो नहीं ना, तो वो लोग देखते हैं। तो राजा भी देखने के लिए निकला तो वहाँ पर एक इंसान ऐसा था कि जिसने शादी वाले कपड़े नहीं पहने थे। तो राजा ने उसको बोला है कि मित्र तू इतरा, बोले कपड़े शादी के, तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो चुप रहा, वो कुछ भी नहीं बोला। तो राजा को आया क्रोध, बोले कुछ बोलता क्यों नहीं, नौकरों को बुलाया, नौकरों को बुलाया और इसको उठाओ और उसको पहाड़ के अंधकार में डाल दो। उसको वहाँ से उठाकर बाहर डाल दिया। अभी राजा कह रहा है कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए काम है। तो ये बात जो थी वो स्वर्ग के राज की बात थी, और ये जो राजा जो है वो समझो कि हमारे परमेश्वर है, जिसकी शादी होने वाली है वो है प्रभु यीशु। और उस शादी में लोगों को निमंत्रित किया गया है, ये जितने लोगों को निमंत्रित किया गया है वो सारे हैं बुलाए हुए लोग, जैसे था ना बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम है। तो जितने जितने लोगों को निमंत्रित किए गए हैं, चाहे वो आए चाहे नहीं आए, वो सभी लोग जो है वो है बुलाए गए। लेकिन यहाँ पर लिखा है ये स्वर्ग का राज ऐसा है, तो राजा कौन है, परमेश्वर। राजा का बेटा कौन है, प्रभु यीशु। शादी किसकी है, प्रभु यीशु की शादी है, उनकी शादी का खाना रखा है, और इस खाने के ऊपर जितने लोगों को बुलाया गया है वो सारे बुलाए गए हुए लोग हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि किन किन लोगों को बुलाया गया है, बहुत ध्यान समझना कि किन किन लोगों को बुलाया गया है। तो बाइबल में हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 पद। क्या
यूहन्ना 3:16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से मतलब जगत में रहने वाले सभी से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ताकि कौन विश्वास करे? जो कोई विश्वास करे। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ये कह रहे हैं कि प्रभु से के ऊपर जो कोई विश्वास करे, मतलब वो भारत वाले भी हो सकते हैं, अमेरिका वाले भी हो सकते हैं और इज़राइल के लोग भी हो सकते हैं, चाहे प्रभु से आए उस इज़राइल में, लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है कि जो कोई प्रभु के ऊपर विश्वास करे, जो कोई मतलब वो कहीं का भी है, कोई भी है और वो चाहे किसी भी कौम से है, उसकी बिरादरी चाहे कोई भी हो, लेकिन ये सभी लोग उनको बुलाए गए हैं। तो परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि जो कोई उनके ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। तो बुलाए गए कितने लोग हैं? जो कोई, मतलब इस धरती के सारे लोग जो हैं उनको बुलाया गया है कि जो कोई विश्वास करे उनमें से किसी का नाश ना हो। कौन कौन बुलाया गया है? इस धरती के सारे लोग। और भी हम चलते हैं कि जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे तो एक बार प्रभु यीशु को एक फरीसी था जिसका नाम था सिमोन और था वो कोढ़ी, उससे प्रभु यीशु को खाने के ऊपर बुलाया। तो प्रभु यीशु उसके घर खाने के लिए चले गए। जब प्रभु यीशु वहाँ पर बैठे थे तो वहाँ पर मरियम नाम की एक स्त्री आई। उस जमाने में वो बहुत ही पापी थी, कंवारी थी, जवान थी और ऐसी स्त्रियों का ज़्यादातर जो पाप होता है वो है व्यभिचार का पाप। अभी उस स्त्री के बारे में लिखा है कि वो बहुत ही पाप में थी और व्यभिचार में थी। वो प्रभु के पास आई और प्रभु के पास आकर मैंने सब बोला कि लिखते जाना पन्ने घुमाते मतलब। तो वो स्त्री वहाँ पर आई और वो जो स्त्री थी वो व्यभिचारिणी थी, पाप में फंसी हुई थी, क्योंकि ये बात मत्ती मरकुस लुका यूहन्ना ये बात चारों में लिखी है। ये एक बात ऐसी है कि चारों सुसमाचार में लिखी हुई है। तो वो बहुत मूल्यवान अत्तर इत्रक जटामासी का वो लेकर आई और उसने वो प्रभु के ऊपर सारी बोतल जो है वो फोड़ कर उंडेल दिया। फिर वो वहाँ पर आंसू बहाने लगी, रोने लगी और उसके आंसू से प्रभु के पैर भीगने लगे और वो अपने बालों से अपनी चोटी से उसको पोंछने लगी। तो इसका मतलब ये था कि ये जितने भी उसके पाप थे उस पापों का वो पश्चाताप कर रही है और जब वो पश्चाताप कर रही है तो प्रभु यीशु जो थे वो प्रभु यीशु ने उसके सारे पाप जो है वो सारे पाप माफ़ कर दिए। प्रभु यीशु ने उसको कहा नहीं कि मैं तेरे सारे पापों को क्षमा करता हूँ, लेकिन पता कैसे चलता है? वो जो कोढ़ी था ना वो मन में सोच रहा है और कोढ़ी ये सोच रहा है कि ये अगर भविष्यवक्ता होता स्त्री को हाथ नहीं लगाने देता, क्योंकि ये तो पापी है, व्यभिचारी नहीं है, हाथ नहीं लगाने देता है। तो प्रभु से उसके विचार जानकर ऐसा कहा कि सिमोन मुझे तुझसे कुछ कहना है। तो बोले कहे तो एक उदाहरण कि एक लेनदार था और उसके दो कर्जदार थे। समझो कि एक को 5,000 देना था,
तो दूसरे को 50 देना था। तो उसने दोनों को पकड़ा और दोनों को चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, तो इसको दया दोनों के ऊपर आ गई, इसे दोनों को माफ़ कर दिया। अभी दोनों को माफ़ कर दिया तो प्रभु से सवाल किया सिमोन कोड़ी से कि तू बोल इन दोनों में से कौन उसको ज़्यादा प्रेम करेगा। तो बोलेगा जिसको ज़्यादा माफ़ किया ना उसको वो ज़्यादा प्रेम करेगा बोले। तो प्रभु से बोला तूने ठीक उत्तर दिया बोले। तो बोले इसी तरह से तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे पाप कम हैं, इसलिए जब मैं यहाँ पर आया तो तूने मुझे हाथ मुँह धोने के लिए तूने मुझे पानी नहीं दिया, लेकिन स्त्री को देखो वो तो आंसू से मेरे पैर धो रही है, तूने मुझे तौलिया नहीं दिया पोंछने के लिए, लेकिन ये तो अपनी चोटी से अपने बालों से मेरे पैर पोंछ रही है। बोले तेरे से ज़्यादा तो ये प्रेम कर रहे क्योंकि इसके पाप ज़्यादा है और इसके पाप इसको क्षमा किए गए। उसको डायरेक्ट नहीं बोला था लेकिन उदाहरण के जरिए प्रभु सुनो बोल दिया कि स्त्री जो है उसके पाप क्षमा किए गए। तो ये जो स्त्री थी कि जिसके बहुत पाप थे, जिसने पश्चाताप किया, जिसको पापों की क्षमा भी मिली, ये भी उस परमेश्वर के राज के लिए बुलाई गई है। जिसको बुलावा दिया गया है कि बुलाए हुए तो बहुत है, उसमें ये एक स्त्री भी है कि जो पश्चाताप कर रही है, जिसको पापों की क्षमा भी मिली है, क्योंकि प्रभु यीशु चाहते थे कि इसके पाप क्षमा हो जाए और उन्होंने उसके पाप क्षमा किया। इसका मतलब प्रभु यीशु इसको अपनी दावत में, अपनी शादी की दावत में उसको बुलावा देना चाहते। अगर प्रभु यीशु ऐसा नहीं चाहते तो जैसे ही स्त्री आती ना तो प्रभु उसको निकाल देते, चल निकल यहाँ से, तू कौन होती मुझे हाथ लगाने वाली, तू तो पापी है, मुझे हाथ मत लगा, चल निकल यहाँ से। लेकिन प्रभु यीशु तो उसको बुलाना चाहते थे, इसीलिए प्रभु यीशु ने उसको माफ़ किया। तो प्रभु यीशु ने माफ़ किया इस बात से हमको पता चलता है कि प्रभु यीशु ने इसको उस स्वर्ग राज में बुलावा दिया। एक बार प्रभु यीशु जो थे उनके पास एक कोढ़ी आया और जो कोढ़ी आया तो हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती उसका 8वां अध्याय और उसका 1 और 2 पद। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हाँ अभी क्या हुआ, प्रभु से के पास एक कोढ़ी आया। अभी सही में कोढ़ी जो है ना वो शुद्ध लोगों के पास नहीं आ सकता है, उसको इसराइल वाले अशुद्ध मानते थे और अशुद्ध लोग छावनी से बाहर रहते थे। तो ये आ गया डायरेक्ट प्रभु यीशु के पास, ऐसे लोग इस तरह से पास में नहीं आ सकते। लेकिन इससे जो भी प्रभु यीशु के बारे में सुना होगा, उनके प्रेम के बारे में सुना होगा, इसलिए वो वहाँ पर आ गया और वो आकर प्रभु यीशु से ऐसा कहने लगा कि प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो प्रभु से क्या किया आगे पढ़ो तो 3रा पद। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। प्रभु यीशु ने हाथ बढ़ाया, कोढ़ी को हाथ लगाया और हाथ लगाने के बाद ऐसा कहा मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जाए। इसका मतलब प्रभु यीशु ने इस कोढ़ी के कोढ़ को दूर कर दिया। और इसका दूसरा मतलब ये होता है कि कोढ़ी जो है वो परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते, वो छावनी से बाहर है। तो प्रभु यीशु ने इसको हाथ बढ़ाकर छूकर चंगाई दी, मतलब प्रभु यीशु ने इसको निमंत्रित कर दिया कि ये भी बुलाया हुआ है, मैं तुझे शुद्ध करता हूँ। मतलब जितने लोग शुद्ध हुए हैं उन सभी को परमेश्वर ने अपने राज में शादी के खाने में निमंत्रित किया है।
कोढ़ी को भी शुद्ध कर कर प्रभु से ने कह दिया कि तू भी बुलाया गया है। अगर प्रभु यीशु कोढ़ी को बुलाना नहीं चाहते होते तो प्रभु यीशु उसको शुद्ध नहीं करते। लेकिन शुद्ध करने का मतलब ही यही है कि तू आ जाना मेरी शादी के वक्त वहाँ पर खाने के लिए, तू आ जाना। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे, साथ में चले थे, और वहाँ पर एक जगह आई जिसको बाइबल में नाम लिखा है कि बेतसाता। हाँ, और वहाँ पर एक पानी का कुंड था टंकी के समान, कि कभी कभी वहाँ पर कोई शख्स उतारता था, उसको निकालने का नहीं है। आप जो वचन चला उसको लिखते चलो ताकि पता चले परमेश्वर ने किस किस को बुलाया और कितने लोगों को बुलाया। एक तो हमने देख लिया जो कोई, दूसरी बात हमने किसकी लिखी, मरियम की लिखी, तीसरी बात हमने लिखी कोढ़ी की। हाँ, ये सारे पॉइंट हैं, लिखते जाओ तो पता चलेगा कि कितने लोगों को प्रभु ने बुलाया उस जगह पर। अभी क्या हुआ कि वहाँ पर जो कुंड था, उस कुंड में कभी कभी स्वर्गदूत आते थे और आकर पानी हिलाकर चले जाते थे, और जिस वक्त वो पानी हिलता था उस वक्त उसमें जो कोई पहले कूद पड़ता था उसको, चाहे जो भी बीमारी है उसको संपूर्ण चंगाई जो है वो मिल जाती थी। तो इस कारण से वहाँ पर बहुत सारे बीमार लोग थे, बहुत सारे सूखे हुए लोग थे, बहुत सारे कोढ़ी लोग भी वहाँ पर होंगे। तो मालूम नहीं कैसे कैसे लोग वहाँ पर थे, और वहाँ पर एक इंसान था जो कितने साल से बीमार था, 38 साल से वो वहाँ पर बीमार पड़ा था। प्रभु यीशु को उसके बारे में पता चला, तो प्रभु यीशु उस 38 साल से जो बीमार था उसके पास गया। 38 साल मतलब बहुत बड़ी बात है। एक भाई साहब सिर्फ 24 दिन बीमार रहे और पीछे से पूरा मांस जो था उसका सड़ चुका था, क्योंकि बस ऐसे ही लेटे रहना तो फिर शरीर में गर्मी आ जाती है, फिर जहाँ पर लगातार गर्मी रहती है ना वो मांस सड़ जाता है। और आप लोगों को मालूम नहीं लेकिन जब अस्पताल में लेकर जाते हैं ना, वो सड़ा हुआ मांस सारा वो लोग काट कर फेंक देते हैं। उस सड़े हुए मांस पर कुछ भी करते हैं तो उस इंसान को पता भी नहीं चलता है। और मालूम है घाव किससे साफ करते हैं, वो घाव नहीं ब्लीचिंग से, ब्लीचिंग का पानी जिसमें हाथ नहीं डाल सकते वो लोग दस्ताने पहनकर उसको साफ करते हैं, और साफ करें तभी भी उसको कुछ होता है, ऐसे ही बैठा रहता है। और महीनों तक उसको इससे छुटकारा नहीं मिलता। अभी समझो ये 38 साल से बीमार होगा, मालूम नहीं कैसी हालत होगी उसकी। प्रभु से उसको बोला तो चंगा होना चाहता है, तो बोलता है हाँ प्रभु मैं तो चाहता हूँ, लेकिन जब भी पानी हिलता है तो बोले मेरे पास ऐसा कोई नहीं जो मुझे उठाकर उस पानी में डाले, और बोले मैं प्रयत्न करने के लिए जाता हूँ तब तक तो बात खत्म हो जाती, कोई और गिर जाता है तो बोले मेरा तो आज ऐसे तरह से 38 साल हो गए। प्रभु से बोलता कोई बात नहीं, तो चंगा होना चाहता है तो बोले उठ और अपनी खाट उठाकर चल। और इसने देखा कि जब मेरे से उठा नहीं जा रहा है, मैं परमेश्वर से बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी ये मुझे ऐसा क्यों कह रहे कि उठ अपनी खाट उठाकर चल। तो बोले लाओ जैसा बोलता है ऐसा करके देखने तो दो। तो जैसे ही उन्होंने उस 38 साल से बीमार इंसान ने प्रयत्न किया, तो वैसे ही उसके अंदर चमत्कार हुआ, उसको बल मिला, शक्ति मिली और वो उठकर चलने लगा। लेकिन इस इंसान ने एक गलती की, वो चलते चलते निकल गया वहाँ से और वो चला गया वहाँ से चर्च में। जब वहाँ पर गया तो वो दिन सप्पत का दिन था, मतलब विश्राम का दिन था। तो चर्च वालों ने देखा तो उसको पकड़ा, एक आज सप्पत का दिन है, आज क्यों तू
इस तरह से अपने खाट उठाकर चलता है, तो बोलता है जिसने मुझे चंगाई दी ना उसने मुझे ऐसा बोला, क्यों और खाट उठाकर चल, तो मैं खाट उठाने लगा। तो बोले किसने तुझे चंगाई दी, तो बोलता है मुझे तो नहीं मालूम कि किसने चंगाई दी। और उसके बाद प्रभु ने देखा कि मैंने उसको चलने को बोला तो चलने लगा, लेकिन वापस आया ही नहीं। तो प्रभु से उसके पास गए और पढ़ो तो यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 14वां पद। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अभी प्रभु से उसको ऐसा कहा कि देख तू चंगा हो चुका है, अब फिर से कोई गुनाह मत करना, पाप मत करना, कहीं इससे ज़्यादा बीमारी, इससे ज़्यादा विपत्ति तेरे ऊपर ना पड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु यीशु ने इसको भी न्योता दिया, इसको भी निमंत्रित किया और इसको कहा कि तू भी मेरी शादी में खाने के वक्त तू आ जाना। अगर प्रभु यीशु इसको बुलाना नहीं चाहते होते तो इसके पास नहीं जाते, इसको जाकर ये नहीं कहते कि उठ अपने खाट उठाकर चल, और वो खाट उठाकर चलने लगा और वहाँ से निकल ही गया, भाग ही गया। तो प्रभु यीशु वापस वहाँ पर मंदिर में नहीं जाते और मंदिर में जाकर उसको वापस मिलकर ये बात नहीं बोलते कि फिर से तू पाप मत कर, कहीं इससे ज़्यादा विपत्ति ना आ पड़े, मतलब तू नरक का वारिस ना हो जाए, तू स्वर्ग में आना है। तो प्रभु यीशु इसको भी बुलाना चाहते थे, इसलिए प्रभु यीशु ने इस इंसान को चंगाई दी। एक बार प्रभु यीशु ने उपदेश किया, वहाँ पर जितने लोग थे उन्होंने उस उपदेश को सुना और उसके बाद ऐसा हुआ कि शास्त्री और फरीसी लोग वो प्रभु यीशु के पास आए और वो साथ में एक स्त्री को लेकर आए थे जो स्त्री ये विचार करते हुए पकड़ी गई थी। तो क्या हुआ, वो लोग प्रभु यीशु से पूछने लगे कि देखो ये जो स्त्री है ना वो ये विचार करते हुए पकड़ी गई। तो बोले अब मूसा ने ऐसी स्त्रियों के बारे में ऐसा लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थर मार मार कर मार दी जाए, मतलब पूरी तरह से उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो बोले तू क्या कहता है। तो मूसा ने कहा था और मूसा को लिखवाने वाले भी परमेश्वर खुद ही थे और इस जगह पर भी परमेश्वर खुद ही है। अभी तो मूसा का कहा हुआ जो है उसको झुठला नहीं सकते और साथ में वो इसको मारने के लिए हाँ नहीं बोल सकते, वो तो बचाना चाहते थे। तो प्रभु उसने उनको उत्तर दिया कि देखो जिसने कभी भी पत्थर ना मारा हो, जिसने कभी भी पाप ना किया हो वो पत्थर मारे। अब ये तो फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे, ये कौन सा कबूल करने वाले थे कि हमने पाप किया है, वो तो पत्थर मारे देते। लेकिन प्रभु उसने उस वक्त ऐसा कहा किया था काम कि जब ये लोग पूछ रहे थे तो प्रभु उसने नीचे झुक कर वो एक के बाद 10 आज्ञाएँ लिखने लगे। बाइबल में नहीं लिखा कि वो 10 आज्ञाएँ लिख रहे थे, लेकिन ये इसका भेद है और वेद पूर्णति से सही है कि प्रभु यीशु वहाँ पर 10 आज्ञा लिखने लगे। वो लोग पूछते गए लेकिन प्रभु यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब तक कि 10 आज्ञा लिख नहीं सकते, लिखना पूरा नहीं हुआ तब तक प्रभु यीशु जो है वो बैठे बैठे लिखते रहे लेकिन इनको उत्तर नहीं दिया। जैसे ही 10 हुक्म खत्म हुए प्रभु यीशु खड़े हो गए और बोले क्या है कि, तो बोले इसको क्या क्या करे, उत्तर तो दे हमको। प्रभु यीशु बोलते जिसने पाप ना किया हो वो पहले पत्थर मारे। अब ये तो फिर भी मारने वाले थे लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया, वो वापस नीचे बैठकर फिर से लिखने लगे। अब फिर से भी क्या लिखा वो नहीं बाइबल में लिखा, लेकिन दूसरी बार उन्होंने क्या लिखा होगा कि जैसे जैसे जिन जिन लोगों ने जो गुनाह किया था, जैसे कि पहली आज्ञा थी कि मेरे
मुझे छोड़ तेरा और कोई परमेश्वर ना हो। तो जितने लोग परमेश्वर को छोड़कर और परमेश्वर के पास मतलब और किसी देवी देवता के पास गए होंगे उनके नाम लिखने लगे, सिमोन, बेंजामिन, रूबेन। तो वहाँ पर जो खड़े रहे होंगे ना वो देखते हो रहे तो मेरा नाम लिखा, अरे सभी के सामने पता चल गया तो पत्थर फेंका भाग गया। जैसे जैसे लोग अपना नाम देखते गए एक आज्ञा के पीछे दूसरे आज्ञा के पीछे, जहाँ जहाँ पर जिसने जो काम किया था प्रभु से उस आज्ञा के सामने उन इंसानों के नाम लिखने लगे। और वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, यह सुनकर वो सभी बारी बारी एक एक कर कर चले गए, साथ में नहीं गए वो लोग। साथ में गए होते तो इसका मतलब ये होता कि जैसे इन लोगों ने सुना प्रभु से कि जिसने पाप ना किया वो पत्थर मारे, तो सभी को मालूम हमने तो पाप किए तो सब लोग साथ में चले जाते, लेकिन ये तो फिर भी पत्थर मारने वाले, हमने कौन सा पाप किया है। लेकिन प्रभु से लिखते थे इसलिए देखने लगे लिख क्या रहा है। तो पहले तो देख लिया था 10 आज्ञा लिख रहे, लेकिन अभी देखा सामने मेरा नाम आया, अरे कुछ डिटेल में बता इससे पहले भागो यहाँ से, वो भाग गया। दूसरे ने अपना नाम दिखा, बोले और डिटेल में जाए इससे पहले भागो यहाँ से, तो बारी बारी से सभी लोग वहाँ से भाग गए। प्रभु उसने स्त्री को बचा लिया। फिर यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना बस 8वां अध्याय पर उसका 10 और 11 पद, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी वे कहाँ गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी। उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। प्रभु ने क्या बोला, मैं भी दंड की आज्ञा नहीं देता, जा लेकिन अब से पाप मत करना। इसका मतलब ये जो व्यभिचार स्त्री है ना उसको भी प्रभु उसने बुलाया। इस व्यभिचार स्त्री को भी प्रभु उसने बुला दिया कि मेरी शादी में वो खाना जो है उस खाने पर तू आना। तो वो समझते रहे ना कितने हुए, पांच हुए कि इस व्यभिचार स्त्री को भी प्रभु सुने वहाँ पर उस खाने के ऊपर निमंत्रित किया है। एक बार प्रभु से जा रहे थे और वहाँ पर एक जन्म से अंधा मिला, तो जो जन्म से अंधा था उसको देखकर चेले बोलने लगे कि प्रभु प्रभु ये जो अंधा है किसके पापों के कारण, उसके खुद के या उसके माता पिता के पापों के कारण। तो प्रभु ने बोला कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो इसके कारण से ये जो इंसान है वो अंधा है, परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। फिर प्रभु ने क्या किया, कीचड़ किया और उसकी आंखों के ऊपर लगाया और उसको बोला कि जा तो सिलोआ में जा और सिलोआ का जो कुंड है उसमें जाकर तू अपनी आंखों को धो ले और तेरी आंखें नई बन जाएगी, तू देखने लग जाएगा। अभी ये वहाँ पर गया भी और ये देखने भी लग गया। ये भी इंसान है, उस 38 साल से बीमार जो इंसान था ऐसा ही किया, वो भी वापस नहीं आया प्रभु के पास कि हाँ प्रभु सु आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन वहाँ पर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 9वां अध्याय और पढ़ा तो उसका 11 और 12 पद, उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगा कर मुझसे कहा, सिलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। हाँ ये बोल रहा है कि मुझे यीशु ने ऐसा कहा और मैं देखने लग गया। फिर आगे उन्होंने उससे पूछा, वह कहा है। उसने कहा, मैं नहीं जानता। देखो बोला कि यीशु कहाँ है, तो बोले मैं नहीं जानता। इसका मतलब आँख धोकर वहीं पर बैठ गया, कौन जाए बोले वापस। लेकिन प्रभु सुने इसको आँख दी। उसके बारे में क्या, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो चमत्कार है बहुत ही फैल गया और चारों ओर जैसे धूम सी मच गई। तो ये बातें
फरीसी लोगों के पास आई, तो फरीसी लोग ने उसके माता उसको इसको बुलाया, बोले क्या सही में तो जन्म संता था? बोला हाँ मैं जन्म संता था। बोले किस तरह से तेरी आंखें खुल गई? बोले इसने मेरी आंखें खोल दी। बोले से चिकड़ किया और जाकर बोला कि सिलो में जा और तू धो दे आंखें और तू देखने लगेगा। तो बोले ऐसा ही हुआ, मैं वहाँ पर गया, मैं धोया और देखने लग गए, फिर भी उसको वहाँ से हटा दिया। बोले इसके माँ बाप कौन है? माँ बाप को बुलाओ। उसके माता पिता को बुलाया तो माता पिता वहाँ बोले तेरा बेटा जो जन्म संता था? बोला हाँ जन्म संता था। तो बोले किस तरह से देखने लगा? इन लोगों ने उत्तर नहीं दिया। उत्तर इसलिए नहीं दिया क्योंकि लोग यहूदी लोगों से डरते थे कहीं हमको चर्च से निकाल ना दे, तो ये लोग सच नहीं बोल पाए, झूठ भी नहीं बोले। बोले मेरा बेटा जो है ना वो पुख्त है, मतलब 18 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है, बोलो उसको ही जाकर पूछ लो, उसको ही बुला लो। वापस उसको बुलाया तो इससे कुछ दो चार बड़े बात बोल दी। बोले आप क्या यीशु मसीह का चेला होना चाहते हो जो उसे बार बार बुलाते हो? बोले तू होगा चेला, हम तो मूसा के चेले। लेकिन इस बात पर उसको उन लोगों ने चर्च से निकाल दिया। तो वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है यूहन्ना उसका 9वां अध्याय और पढ़ो तो उसका 34 और 35 पद। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है। हाँ अभी देखो प्रभु यीशु ने इसके पास वापस जाकर उसको बताया कि क्या तू मुझ पर विश्वास करता है, मतलब परमेश्वर के बेटे के ऊपर विश्वास करता है? बोले कौन है वो? तो बोले तेरे साथ जो बात करा ना वही है। इसका मतलब प्रभु उसने सिर्फ आंखें नहीं दी लेकिन उसको स्वर्ग के लिए निमंत्रित भी कर दिया कि तू वहाँ पर आ जाके। इसलिए प्रभु उसको वापस उसके पास गए। तो ये जो अंधा था उसको आँखें देकर प्रभु उसने बता दिया कि मैं तुझे भी वहाँ पर बुला रहा हूँ। तो इस अंधे को भी प्रभु यीशु ने बुलाया। एक बार प्रभु यीशु कितने पॉइंट हुए? 6 हुए। एक बार क्या हुआ कि प्रभु यीशु कहीं पर प्रचार कर रहे थे और प्रचार कर रहे थे तो एक घर था उसमें प्रचार कर रहे थे, लेकिन बाहर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ लगी थी और वहीं पर कोई था कि जिसको लकवा हो गया था, तो चार लोग उसको चार पाए के ऊपर मतलब खाट के ऊपर उठाकर उसको लेकर आए। तो जब चार लोग उसको उठाकर लेकर आए तो भीड़ इतनी थी कि वो प्रभु यीशु के पास उसको ले नहीं जा सके। तो इन लोगों ने देखा कि घर तो इस तरफ का है, इसका दरवाजा इस तरफ है, तो पीछे तो भीड़ नहीं होगी। तो सभी लोग ने क्या किया, पीछे चले गए और पीछे जाकर वो लोग जो है वो उसके छत के ऊपर चढ़ गए और छत के ऊपर चढ़कर इसको पूरे खाट के साथ ही छत के ऊपर खींच लिया और फिर उन्होंने छत को फाड़ दिया और छत को फाड़ कर ये जो लकवा वाला था उसको प्रभु यीशु के पास उस घर में उतार दिया, ऊपर से एंट्री लगाई। एक बार मैं और एक साथी हम लोग गए थे अहमदाबाद में और मालूम नहीं उस वक्त कौन सा त्यौहार था और दिन था शुक्रवार और त्यौहार के कारण इतनी भीड़ लगी हुई थी। तो हम लोग वहाँ पर एक्सप्रेस हाईवे पर खड़े हुए थे तो जो भी आता था वो उस वक्त पैसे ज़्यादा मांग रहा था। अभी 80-90 रुपये उसकी टिकट लगती है वडोदरा आने की, लेकिन सभी लोग मांग रहे 200-200 रुपये की और जितनी भी बस आ रही सारी बस फुल होकर आ रही, लोग खड़े होकर जा रहे। तो मैंने बोला यार इतना है क्या आज? तो मैंने बोला छोड़ो हम चले जाते हैं वहाँ पर स्टेशन बस स्टैंड चले जाते। तो हम लोग बस स्टैंड चले गए, बस स्टैंड चले गए तो वहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं। साथी को बोला आप क्या करेंगे? तो इतने में देखा तो वडोदरा की बस पूरी खाली और उसको वहाँ पर बस स्टैंड पर रख रहे थे भरने के लिए। अभी भीड़ इतनी है कि अगर हम लोग लाइन में खड़े रहेंगे, लाइन थी भी नहीं लेकिन भीड़ में खड़े रहेंगे तो हमारा नंबर नहीं लगने वाला था, क्योंकि एक बस में कितने ज़्यादा से ज़्यादा 60 लोग, अगर कुछ खड़े होकर जाएंगे तो 70 लोग, उससे ज़्यादा तो आ नहीं सकते। तो
तो मैंने इस भाई साहब को बोला एक काम करो भाई साहब, खिड़की से एंट्री लगा दो। तो ये भाई साहब खिड़की से अंदर जगह रोक ली। बस थी पावागढ़ जाने वाली थी, तो पावागढ़ वाली सारी बसें पहले वडोदरा आती है फिर जाती, और पता चला कि तो डायरेक्ट जा रही है वडोदरा, तो बीच में आने ही वाला नहीं है। अभी इतनी भीड़, चिल्लाना इतना कि हम लोग इतने पास में थे, मैं खिड़की के पास जाकर उस भाई साहब का हाथ लगा, बाहर निकलो बाहर निकलो, ये नहीं जाएगी। उनको फिर भी नहीं सुनाई देता। मैंने उनको रिंग लगाई मोबाइल से, तो वाइब्रेट हो, तो उनको पता चला कुछ हो रहा है। तो देखा फिर बाहर, मैंने बोला बाहर आ जाओ, ये नहीं जाने वाली। और भीड़ इतनी थी तो खिड़की से एंट्री लगा दी। इन लोगों ने भी देखा भीड़, तो बोले ऊपर से लाल दो इसको नीचे। ये क्या दर्शा रहा है, किसी भी हालत में हमको वडोदरा पहुंचना है, बस चाहे खिड़की से अंदर क्यों नहीं जाना पड़े, तो किसी भी हालत में वडोदरा पहुंचना है। ये लोग छत फाड़ रहे, मतलब किसी भी हालत में यीशु मसीह के पास पहुंचाना है, चंगाई तो मिल ही जाएगी। तो क्या हुआ, ये लोग छप्पर फाड़ कर उस लकवे वाले को वहाँ पर उतार दिया। तो प्रभु से देखा इतना विश्वास इन लोगों पर मेरे ऊपर, कि दूसरा को होता तो सोता छोड़ यार, कल जाएंगे परसों जाएंगे, लेकिन ये तो आज ही छप्पर फाड़ कर भी आ गए। तो प्रभु सुन का विश्वास देकर उसको बोल दिया कि तेरे पाप तुझे क्षमा किए गए। उसको बोला उठ, और उसको भी कह दिया कि अपनी खाट उठाकर तू चल। देखो सोते सोते आया था और खाट उठाकर वहाँ से निकल गया। ये परमेश्वर का चमत्कार है। लेकिन इसको एक बात बोली, और हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती उसका 9वां अध्याय और दूसरा पद पढ़ दो, मत्ती 9:2। और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ, प्रभु से उसको बोल दिया तेरे पाप क्षमा हुए। तो प्रभु से उसके पाप क्षमा करते हैं, उसके बाद उसको चंगाई भी दे दी। मतलब प्रभु से पाप क्षमा करते हैं, इसका कारण ये है कि प्रभु से उसको भी कहना चाहते हैं कि मैंने तुझे भी मेरी शादी के न्योते पर निमंत्रित किया है, तू वहाँ पर आ जाना। अब प्रभु से इस लकवा वाले को भी निमंत्रित कर दिया, इसके पाप को क्षमा की। इससे पता चलता है कि प्रभु से उसको वहाँ पर बुलाना चाहते हैं। अगर प्रभु से नहीं चाहते तो प्रभु से इसको नहीं बुलाते। एक बार प्रभु से जो थे वो कहीं पर जा रहे थे, और लोगों ने देखा कि प्रभु से जा रहे तो बहुत सारे भीड़ उनके पीछे हो गए, और लोग बीमारों को और लकवे वाले को, अंधे को, लंगड़े को, ऐसे को लेकर प्रभु से के पीछे चलने लगे। और प्रभु से ने उनको सुबह से लेकर शाम तक प्रचार किया, और इतना प्रचार करने के बाद प्रभु से ने अपने चेलों से कहा इनको खाना खिलाओ। चेले बोलते हैं हमारे पास तो खाना है ही नहीं। तो कोई लड़का था जो 5 रोटी और 2 मछली लेकर आया था, तो प्रभु से ने उसको लिया, उसके ऊपर आशीष मांगी और सभी लोगों को खाना खिलाया। और वहाँ पर सिर्फ पुरुष जो थे 20 साल से ज़्यादा उम्र वाले, वो पुरुष ही वहाँ पर 5,000 थे, स्त्रियाँ अलग से और बच्चे भी अलग से। तो प्रभु से ने इनको यहाँ पर सुसमाचार सुनाया। इसका मतलब ये था कि प्रभु यीशु इनको निमंत्रित करते क्यों समझ, क्यों अपना वचन देना, क्योंकि अगर नहीं बचाना चाहते थे तो फिर वचन भी ना देते, अगर उनको स्वर्ग में लेना नहीं चाहते तो वचन भी नहीं देते। लेकिन वचन देते हैं, इसका मतलब प्रभु यीशु जो है वो इनको अपनी शादी में निमंत्रित कर रहे। एक बार ऐसा हुआ कि 4,000 लोग थे उस वक्त, और तब 3 दिन तक लगातार प्रभु से ने प्रचार किया था, और 3 दिन प्रचार करने के बाद प्रभु से ने उनको भी 7 रोटी में से और मछली के कुछ टुकड़ों में से उनको खाना खिला था। तो 3 दिन तक प्रभु से ने प्रचार क्यों किया, क्योंकि प्रभु से इनको बचाना चाहते थे। तो अगर बचाना नहीं चाहते होते तो प्रभु से उनको प्रचार नहीं सुनाते। मतलब कि ये 4,000 लोग और 5,000 लोग भी जो है वो दोनों जो हैं वो चुने हुए बुलाए हुए लोग हैं,
कि प्रभु से ने अपनी शादी पर उनको बुलाया हुआ है। कितने लोग हुए? नहीं, ये दो अलग अलग है। हाँ, एक लोगों को सुबह से लेकर शाम तक प्रचार किया, दूसरे लोगों को तीन दिन तक प्रचार किया। और मत्ती 14 में 5000 लोगों के बारे में लिखा है और मत्ती 15 में 4000 लोगों के बारे में लिखा है, उसको खुद ढूंढ लेना। फिर एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे तो वहाँ पर एक इंसान मिला जो गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। क्या नाम है उसका नाम? हाँ, ये था चुंगी लेने वाला जक्की। और जो जक्की था उसके पास प्रभु यीशु आए। और चुंगी लेने वाला मतलब उस जमाने का महापापी, बहुत ही पापी। प्रभु यीशु उसको बोला कि जक्की आज तो मैं तेरे घर ही आ रहा हूँ। प्रभु यीशु वहाँ पर गए। भाई प्रभु यीशु किसी के घर कोई खाने पीने के लिए थोड़ी जाते। प्रभु यीशु ने वहाँ जाकर वचन सुनाया होगा, प्रभु यीशु ने वहाँ जाकर जक्की से बात की होगी और जक्की का जो भी पाप था उस पाप के बारे में वचन सुनाया होगा, उस पाप से लेकर ही कुछ सिखाया होगा, जिसके कारण जक्की के दिल में ये बात आ गई। और जक्की ने पश्चाताप किया और जक्की ने ऐसा बोला कि मैंने मेरी जो भी संपत्ति है उसमें से आधा तो बोलते मैं दाने कर देता हूँ, उसके बाद मेरे पास जो भी बचता है उसमें से जितने जितने लोगों के पास से मैंने जबरदस्ती से ज़्यादा लिया है उसको मैं चार गुना बोले वापस कर दूँगा। देखो, इसके जीवन में उद्धार आया, इसके जीवन में परिवर्तन आया, इसके जीवन में पश्चाताप आया। प्रभु यीशु उसके घर गए क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु उसको बचाना चाहते हैं और प्रभु यीशु उसको अपनी शादी के खाने के ऊपर न्योता देना चाहते थे, इसलिए प्रभु यीशु वहाँ पर गए। तो प्रभु उसने जक्की को भी, जो चुंगी लेने वाला था, उसको भी न्योता दिया। अगर प्रभु उसको नहीं बुलाना चाहते होते तो प्रभु उसके घर नहीं जाते और उसको वचन नहीं सुनाते। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पीछे थे। जक्की की बात लिखी है लुका 19 में 1 से 11। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे और बहुत सारी भीड़ जो थी वो प्रभु यीशु के ऊपर गिर रही थी और प्रभु यीशु के साथ वो लोग चल रहे थे। तभी एक स्त्री थी जो 12 साल से रोगी थी। और ये बात लिखी है मरकुस 5 और 25 से लेकर 34 पद तक लिखी है। तो ये जो मरकुस 5 25 से लेकर 34 पद, तो ये जो स्त्री है वो प्रभु यीशु के पीछे गई और उसने ऐसा विश्वास किया था क्योंकि उसके पास जितनी भी संपत्ति थी सभी डॉक्टर लोगों के पास चले गई थी। मरकुस 5 25 से 34 तो उसका नाम नहीं लिखा। तो ये जो स्त्री थी वो वहाँ पर प्रभु यीशु के पीछे गई और धीरे से गई मेरी बैग में पेन है ऊपर जो रोज इस्तेमाल करता हूँ उसमें छोटी बैग है उसमें पेन है। तो ये जो स्त्री थी उसने ऐसा विश्वास किया कि मैं जाकर सिर्फ प्रभु यीशु के पल्लों को छू लूँगी तो इतने में मुझे चंगाई मिल जाएगी। तो विश्वास के साथ गई भी, छुआ भी, चंगाई मिल भी गई उसको। तो चंगाई मिल गई तो ऐसा नहीं था कि इसने विश्वास किया तो अनजाने में उसको चंगाई मिल गई। प्रभु यीशु को एक एक बात पता होती। प्रभु यीशु वहाँ पर खड़े हो गए, बोले किसने मुझे छुआ? तो लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु आपके ऊपर तो लोग गिर रहे और आप छूने की बात कर रहे। तो बोले ऐसी बात मत करो। प्रभु यीशु बोलते हैं नहीं, ये गिरने वाले की बात नहीं कर रहा, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला। अभी सामर्थ्य क्या उनके परमिशन के बिना निकल सकता है? प्रभु जानते हैं कि औरत आई है मेरे पीछे, विश्वास से छू रही है, तो उसको किसी और ने नहीं, अचानक से उसको चंगाई नहीं मिल गई थी, या तो परमेश्वर प्रभु यीशु नहीं जानते थे और उसको चंगाई मिल गई थी, ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु ने ही उसको चंगाई दी थी, जब इतने विश्वास से छू रही तो मैं चंगाई देता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु लोगों को बताने के लिए जा रहे थे कि ये जो स्त्री है उसको कैसी बीमारी थी और देखो कितने डॉक्टर के पास गई थी, कितने पैसे बर्बाद कर चुकी थी, लेकिन वहाँ से उसको आराम नहीं मिला था।
वो मेरे पास आएगी, तब उसको आराम मिला। विश्वास से आएगी तब उसको आराम मिला। तो प्रभु से ये बताना चाहते थे, इसलिए बोला। और ये स्त्री जो वो डर गई कि इनको तो पता चल गया, क्योंकि ये तो अशुद्ध स्त्री थी, ऐसी स्त्री यीशु को छू नहीं सकती थी। तो ऐसा हुआ कि वो स्त्री ने आकर ये सारे गवाही जो है वो सारे गवाही बताई, लेकिन प्रभु से उसको चंगाई दी, ऐसी अस्वस्थ को छूने का मौका दिया। इसका मतलब ये है कि प्रभु से इसको भी अपने राज में, मतलब कि अपनी शादी में खाने के लिए बुलाया है। बहुत ध्यान समझना कि प्रभु से इसको भी अपनी शादी के ऊपर न्योता जो है वो दिया हुआ है। तो जो 12 साल से जिसको लहू बह रहा था उसको भी प्रभु से बुलाया। दूसरे थे चेले लोग, प्रभु से के 12 चेले थे। अभी जो चेले लोग थे उसमें सभी चेले की तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन उसमें से एक चेले की बात कर रहे, यहूदा इस्करियोती। वो कैसा था? विश्वासघाती, चोर भी था और विश्वासघाती भी था। लेकिन प्रभु यीशु सब कुछ जानते हुए भी उसको अपना चेला बनाया। इसका मतलब प्रभु यीशु ने इसको भी निमंत्रित किया था, चोर और विश्वासघाती को भी अपनी शादी का न्योता प्रभु सुन दिया था। अगर नहीं दिया होता तो प्रभु से उसको अपना चेला नहीं बनाते, लेकिन बनाया। इसका मतलब प्रभु से उसको भी तो न्योता दिया हुआ है, निमंत्रित किया हुआ है। थोमा ऐसा था कि देखने के बाद विश्वास करता था, हाँ अविश्वासी नहीं था, विश्वास करता था लेकिन देखने के बाद। अगर चेले, बाकी के चेले उसको कुछ कहे तो सुनकर नहीं मानता था, देखने के बाद ही मानता था। तो थोमा ऐसा था, देखने के बाद विश्वास करता था। तो प्रभु ने उसको भी अपना चेला बनाया था। मतलब जो लोगों की बात सुनकर विश्वास नहीं करते लेकिन देखकर विश्वास करते हैं, तो प्रभु ने ऐसे अपने चेले को भी बुलाया था उस शादी के खाने के ऊपर। अगर ऐसा नहीं होता तो थोमा को वो अपना चेला नहीं बनाते। पतरस के बारे में जब भी देखते तो पतरस कैसा था? जल्दबाज, वो हमेशा पहला है, कुछ भी है तो बस बोल ही देने का, बस कुछ भी हो तो सबसे पहले प्रभु से पानी पत्र तो बोलो मैं भी आऊँ, और हाँ बोला तो कुछ भी पड़ा। पतरस ऐसे कोई भी बात में पहले, बस देखना नहीं आगे पीछे क्या है क्या नहीं। प्रभु से बोला अपने भाइयों को माफ़ कर दो, बोले कितनी बार? 7 बार कर दूँ क्या? मतलब हर बार में वो पहला। मतलब उसमें जल्दबाजी थी, जल्दबाज था एक। प्रभु से उसको जानते थे और फिर भी प्रभु से उसको चेला बनाया। मतलब कि प्रभु यीशु जो है वो चाहते थे कि वो भी उस जगह पर आए। समझ में आए कितने लोग हैं? 14 लोग। ये सभी को प्रभु ने बुलाया, ऐसे तो बुलाए हुए बहुत है, लेकिन हमने कितने एग्जांपल देखे? 14 लोग देखे कि इन सभी को प्रभु ने बुलाए। लेकिन जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती 22:14, उसके 14 पद में ऐसा लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन कौन काम है? पसंद करे। चुने हुए लोग बहुत काम है। तो चुने हुए कौन है? मैं सवाल नहीं कर रहा, चुने हुए जो है वो कौन है? अरे प्रभु से जो दृष्टांत दिया था वो एक ऐसा दृष्टांत था कि बोले एक राजा था, राजा की बेटे की शादी थी। राजा कौन है? परमेश्वर। बेटा कौन है? प्रभु से। उनकी शादी और खाने पर जिन लोगों को बुलाया वो लोग तो आए नहीं, सभी ने बहाना बता दें। तो बोले ऐसे वैसे जितने लोग हैं ना सभी को बुला कर लेकर आओ, ये खाना तो बना हुआ है। अभी सभी लोग वहाँ पर आ गए तो राजा जो है वहाँ पर घूमने के लिए निकले। तो वहाँ पर एक इंसान ऐसा मिला जिसने शादी के कपड़े नहीं पहने हुए। अभी शादी के कपड़े मतलब क्या?
हाँ, उस वक्त ऐसा ऐसी परंपरा थी कि जो धनवान लोग जब किसी को अपने घर की शादी में निमंत्रित करते थे तो वो लोग क्या करते थे कि घर से कपड़े उनको देते थे कि भाई साहब हम लोग तो बहुत धनवान हैं इसलिए अपने फटे टूटे या सफ़ेद कपड़े पहनकर मत आना, क्योंकि उस ज़माने में सिर्फ सफ़ेद कपड़े ज़्यादा मिलते थे। दूसरे होते थे मेहरून, और मेहरून जो कपड़ा होता था महंगा होता था, धनवान लोग ही पहन सकते थे। जामुनी कपड़ा होता था वो सिर्फ राजा पहन सकता था, और इसलिए बोले गरीब लोग आए सफ़ेद कपड़े से पता चले तो सभी लोग गरीब लोग हैं धनवान लोग नहीं। और वह राजा की शादी में, राजा के बेटे की शादी में बोले ऐसे गरीब लोग आएंगे तो इज्जत क्या रह जाएगी। तो इसलिए जो धनवान लोग होते थे ना क्या करते, सामने से कपड़े देते थे, बोले कपड़े पहन कर आना। तो सभी लोगों को निमंत्रित तो किया गया था लेकिन साथ में कपड़ा भी दिया गया था, और जितने लोग कपड़े पहन कर आए थे वो सारे चुने हुए लोग। लेकिन उनमें से एक इंसान जो था उसने शादी वाला जो कपड़ा था वो शादी वाला कपड़ा उसने नहीं पहना था। और बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण उसका 19वां अध्याय और उसका 8वां पद, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ये जो कपड़ा है वो तो परमेश्वर के लोगों के धर्म के काम, मतलब कि आज्ञाकारी है, धर्म के काम मतलब आज्ञाकारी। तो कपड़े क्या दर्शाता है? आज्ञा पालन। क्या दर्शाता है? वस्त्र। वस्त्र क्या आज्ञाकारी। तो एक इंसान ऐसा था जिसने कपड़े नहीं पहने थे, तो इसका मतलब उसके अंदर आज्ञाकारी नहीं थी। तो आज्ञाकारी नहीं थी, इसको क्या कर दिया? निकाल दिया, उसको बाहर निकाल दिया। अभी जो चेले लोग थे, क्या चेले में आज्ञाकारी थी? चेले तो प्रभु सु के साथ रहते थे ना, तो एक बार प्रभु सु चलते थे तो सभी चेले पीछे हो गए धीरे से। और मुझे तो लगता है कि पतरस से ही बोला हो, क्योंकि वो सबसे जल्दबाज था ना, हे रुक जाओ अपने धीरे धीरे चलते, उनको जाने दो आगे, सीधा सीधा रोड का, हमें से बड़ा कौन। तो कहाँ पर इनमें आज्ञाकारी थी? वो तो ये चाहते थे कि हम लोग जो है उनमें बड़ा कौन। एक बार प्रभु को किसी शहर में नहीं जाने दिया तो तभी भी चेले बोलने लगे, प्रभु क्या आपकी इच्छा ऐसी कि हम लोग आग गिरा दे सबको खत्म कर दे? तो आज्ञाकारी जैसा परमेश्वर का जो स्वभाव होना चाहिए वो तो इनके अंदर था ही नहीं। ये लोग तो बोलते आग गिराने की बात करते थे, लिखते ही जरा सा। फिर प्रभु सु के चेले ने एक बार किसी को भूत प्रेत निकालते हुए देखा तो बोला उसको, ए तू क्यों भूत प्रेत निकाल रहा, तू हमारे साथ में चलता है? बोले चलो बंद कर। मतलब इनके अंदर ईर्ष्या भी थी कि तू जो है वो भूत प्रेत नहीं निकाल सकता। फिर पतरस जो थे उन्होंने तो अपनी तलवार से कान भी काट दिया था किसी का, मैं मारने के ऊपर भी आ गया था जबकि माफ करने की बात थी। तो इनमें आज्ञाकारी नहीं थी। पतरस ने तीन बार प्रभु सु का इनकार भी कर दिया, जानने के बाद भी तीन बार झूठ बोला कि मैं तो यीशु मसीह को नहीं जानता, और यहाँ तक लिखा है बाइबल को श्राप भी देने लगा। प्रभु उसने पहले से बोला था जिस दिन मुझे पकड़ा दिया जाएगा ना आप सब लोग मुझे छोड़कर भाग जाओगे। तो पतरस ने बोला मैं नहीं भागने वाला, चाहे 11 भाग जाए। तो 11 बोलते नहीं हम भी नहीं भागेंगे, हम तो जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन 11 तो क्या, पतरस भी भाग गया। तो सभी लोग जो है वो प्रभु यीशु को छोड़कर भाग गए थे। मतलब प्रभु यीशु के चेलों के अंदर जो आज्ञाकारी होनी चाहिए वो आज्ञाकारी नहीं थी। तो देखो जो लोग प्रभु यीशु के साथ घूमते हैं सब कुछ छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर जो प्रभु यीशु के पीछे चलते उनमें भी आज्ञाकारी नहीं है। तो फिर आज्ञाकारी लाने के लिए करना क्या है हमको?
हम किस तरह से आज्ञाकार बन सकते हैं, हम किस तरह से ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम लोग आज्ञा मानने वाले बन जाए, क्योंकि प्रभु यीशु के साथ रहने के बाद भी इनके अंदर आज्ञाकारी नहीं आई थी, प्रभु यीशु के चेले बनने के बाद भी आज्ञाकारी नहीं आई थी, सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चले गए तो भी इनके जीवन में आज्ञाकारी जो थी वो नहीं आई थी। तो हमें आज्ञाकार होने के लिए क्या करना चाहिए, तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसका 13वां पद। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जब सच्चाई का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा आएगा तब तुम्हें सभी सच्चाई में लेकर जाएंगे। तो सच्चाई मतलब परमेश्वर की आज्ञा, तो परमेश्वर की आज्ञा में हमें कौन लेकर जाएगा? सत्य का आत्मा। मतलब कौन सा आत्मा है वो? पवित्र आत्मा। मतलब पवित्र आत्मा जो है वो ही हमें आज्ञाकारी में लेकर जाएगा। और फिर प्रेरितों के काम उसका 1वां अध्याय और 8वां पद। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम सामर्थ्य पाओगे। मतलब आज्ञाकारी का सामर्थ्य कब आएगा हमारे अंदर? जब पवित्र आत्मा आ जाएगा। तो हम आज्ञा कब मान सकते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाए, वो सच्चाई का आत्मा हमारे अंदर आ जाए, तभी हम परमेश्वर की आज्ञा उस पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हम आज्ञा जो है वो मान सकते। अभी सही में पवित्र आत्मा जो है वो है क्या? और बाइबल में पढ़ते गलातिया उसका 5वां अध्याय और 22 और 23 पद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा के फल के बारे में लिखा है कि पवित्र आत्मा है क्या। तो पवित्र आत्मा के कुछ फल है। तो फल है इसका मतलब पवित्र आत्मा क्या है? पेड़ है। अगर पवित्र आत्मा के फल हैं तो पवित्र आत्मा वो पेड़ है। फिर दूसरी बात लिखी हम पढ़ते इफिसी में, इफिसी उसका 1वां अध्याय 13 और 14 पद। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ये पवित्र आत्मा की छाप लगी। हाँ, वह उसके मोल लिए हुए के जो प्रभु सुन अपने लहू से खरीदते हुए उनके लिए छुटकारे के लिए हमारी मीराश का बयाना, हमारी मीराश मतलब जो हम वारिस होने वाले स्वर्ग के उसका बयाना है। तो पवित्र आत्मा क्या है? तो बोले स्वर्ग में जाने का बयाना, स्वर्ग मिलने वाला है उसका बयाना। और आज की लैंग्वेज में बोले तो पवित्र आत्मा क्या है? तो बोले स्वर्ग में जाने का टिकट। स्वर्ग की गाड़ी में पवित्र आत्मा की टिकट के बिना हम लोग बैठ नहीं सकते और वहाँ पर पहुँच नहीं सकते। अभी बयाना इंसान के अंदर है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? ये टिकट है कि नहीं आपके पास वो कैसे पता चलेगी? तो मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती जहाँ जहाँ पर मैं सवाल करता हूँ कि ये बयाना मतलब कि पवित्र आत्मा स्वर्ग का टिकट हमारे अंदर है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? ये प्रश्न लिखोगे तो पता चलेगा कि इसके बारे में भी सिखाया। तो पवित्र आत्मा मतलब वो बयाना है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? तो मत्ती उसका 12वां अध्याय और उसका 33वां पद। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़
पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। अपने फल ही से पहचाना जाता है। तो पवित्र आत्मा क्या है? पेड़। पेड़ वो कैसे पहचाना जाएगा? फल से पहचाना जाएगा। पवित्र आत्मा कैसे पहचाना जाएगा? फल से पहचाना जाएगा। इसको याद रखना। फल कौन कौन से हैं? प्रेम, धीरे से, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, हाँ, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये नौ जो फल लिखे हैं, वो इंसान के अंदर ये नौ बातें दिखाई देती है। तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है मतलब उसके अंदर क्या है? बयाना। और बयाना है तो उसके पास क्या है? स्वर्ग का टिकट। तो स्वर्ग का टिकट होना मतलब क्या होना? हमारे पास पवित्र आत्मा के नौ फल। समझ में आ गई बात? पवित्र आत्मा के नौ फल होना, इसका दूसरा मतलब ये होता है कि हमारे पास स्वर्ग में जाने का टिकट है, और वो भी पक्का। तो जिसके पास ये टिकट है वो तो पक्का जाएगा ही जाएगा। समझ में आ गई बात? वो तो जाएगा ही जाएगा, मतलब ये चुना हुआ है। जिसके पास पवित्र आत्मा के नौ फल है, मतलब कि उसके पास स्वर्ग में जाने का बयाना है, अर्थात स्वर्ग में जाने का पक्का टिकट है, समझ में आ गई बात? और जिसके पास ये टिकट है वो है चुने हुए लोग। अभी वो स्त्री प्रभु उसके पास आती है, आके पश्चाताप करती है, और पश्चाताप कर प्रभु उसी के ऊपर इत्र लगाती है, आंसू बहाती है, और अपनी चोटी से वो आंसू को मतलब प्रभु उसी के पैर को पोंछती भी है। तो क्या ये करने से वो चुनी हुई है ऐसा पता चलेगा? हाँ, मतलब पश्चाताप है, इसका मतलब ये नहीं कि चुनी हुई है। हाँ, बुलाई हुई तो है, लिखते जाना पता चलेगा। कि पश्चाताप है, मरियम ने इत्र लगाया, पश्चाताप किया, आंसुओं से प्रभु के पैर को धोया, अपनी चोटी से मतलब बालों से प्रभु के पैर को पोंछा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुनी हुई है। कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आया, उसने बोला, प्रभु यीशु आप चाहो तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। प्रभु उसने छू कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वो शुद्ध भी हो गया। शुद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि वो चुना हुआ है। चुना हुआ तो वही है जिसके अंदर पवित्र आत्मा के नौ फल दिखाई देता है। तो शुद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि वो चुना हुआ है। 38 साल से जो बीमार था, बड़ी लंबी बीमारी, उसको चंगाई मिल गई। तो चंगाई का मतलब ये नहीं है कि वो चुना हुआ है।
चल गया पता। व्यभिचार स्त्री जिसको लोग पत्थर मार मार कर मारने वाले थे, प्रभु ने उसको बचा लिया, उसके प्राण बच गए। तो प्राण बच गए का मतलब ये नहीं है, बचाई गई का मतलब ये नहीं है कि वो चुनी हुई है। जन्म संदा उसकी आंखें मिल गई, वो देखने लग गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुना हुआ है। पांच हजार लोग और चार हजार लोग प्रभु के चमत्कार से रोटी खाते हैं, पेट भर सकते हैं, मछली खा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चुने हुए लोग हैं। जबकि ऐसा बोल रहा है कि मैं आधी संपत्ति दान में दे दूंगा और जिनके पास मैंने जबरदस्ती लिया उनको चार गुना दूंगा, और वो दे भी देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुना हुआ है। बारह साल की रोगी वो छूने से चंगा हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुनी हुई है। प्रभु उसके चेले बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि चुने हुए लोग हैं। चुने हुए लोग कौन हैं? जिनके अंदर पवित्र आत्मा के नौ फल दिखाई देते हैं, वही चुने हुए लोग हैं। चुने हुए लोग बनने के लिए क्या करना है? सवाल ही पूछ रहा हूँ मैं। चुने हुए लोग बनने के लिए क्या करना है हमें? और प्रेरित के काम में लिखा है उसका दूसरा अध्याय और 38 पद 38। पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा मतलब वो पेड़। जब तक पेड़ नहीं तब तक फल नहीं, और पेड़ को अपने अंदर लाने के लिए, फल को अपने अंदर लाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो है सबसे पहले सच्चा बपतिस्मा। चुने हुए बनने के लिए सबसे पहले सच्चे बपतिस्मा की जरूरत है। जिसका सच्चा बपतिस्मा हो जाता है उसे उसी वक्त पवित्र आत्मा मिल जाता है। लिखते रहना कि जिसका सच्चा बपतिस्मा हो जाता है उसको उसी वक्त, जैसे ही पानी से बाहर आता है बपतिस्मा के, उसको तुरंत ही पवित्र आत्मा मिल जाता है। हो गया यहाँ तक? पवित्र आत्मा तो मिला, लेकिन रोमन में लिखा है, रोमन उसका आठवां अध्याय, कि पवित्र आत्मा लेकर तो बैठ गए लेकिन लेकर बैठे नहीं रहना है। 8:14 पढ़ो। इसलिए कि
जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं मतलब पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वो परमेश्वर के पुत्र है मतलब पवित्र आत्मा को पा तो लिया, अपने अंदर तो ले लिया, लेकिन फिर उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो वो जैसे चलाए वैसे नहीं चलेंगे तो फिर वो परमेश्वर के पुत्र नहीं बनेंगे, और पुत्र नहीं बनेंगे तो वहाँ पर शादी में वो लोग चुने हुए लोग नहीं गिने जाएंगे। तो चुने हुए लोग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बपतिस्मा, बपतिस्मा से पवित्र आत्मा को पाना पड़ेगा, और पवित्र आत्मा पाने के बाद उस पवित्र आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। फिर उसका 17 पद रोमन 8 का 17, और यदि संतान है तो, और अगर हम परमेश्वर की संतान है मतलब पवित्र आत्मा के चलाए चलते है तो वारिस भी, तो हम वारिस भी बन जाएंगे, वरन परमेश्वर के वारिस, हाँ परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस है, और मसीह के संगी वारिस मतलब मसीह के साथ हम वारिस बन जाएंगे, कि जब हम उसके साथ, कि जब हम प्रभु यीशु के साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा तो दुख उठाए। तो इसका मतलब चुने हुए बनने के लिए सबसे पहले बपतिस्मा, फिर पवित्र आत्मा के चलाए चलना, और पवित्र आत्मा के चलाए चलते चलते, क्योंकि एक बार अगबुस था भविष्यवक्ता, उसने पौलुस को कहा, उसके बेल्ट को लेकर अपने आप को बांध कर कहा कि जिसका बेल्ट है उसको इस तरह से यरूशलेम में बांध दिया जाएगा अगर वो वहाँ पर जाएगा तो जानने के बाद भी पौलुस बोलते मैं तो जाऊँगा। लोगों ने बहुत मना किया लेकिन पौलुस ने बोला मैं तो परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। तो पवित्र आत्मा आने के बाद उनके चलाए चलना है, और उसमें चाहे दुख भी आए तो दुख भी उठाते रहोगे, तो पवित्र आत्मा का बयाना वो टिकट वो हमारे पास रहेगा। और फिर इफिसी में लिखा है, इफिसी इसका 4 अध्याय, और उसका 35, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुखी मत करो, उनके चलाए नहीं चलोगे, जिस तरह से रोमन 8 के 14 में पढ़ा पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलोगे तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, और दुखी हो जाएंगे तो चाहे आपका सच्चा बपतिस्मा हुआ था, आपने पवित्र आत्मा को पा लिया था, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर से निकल जाएंगे। अगर दुख उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो अभी पवित्र आत्मा क्या करेंगे, चले जाएंगे। उनको दुखी मत करना मतलब वो जैसा भी कहते वैसे करते रहना तो ही टिकट आप में बनी रहेंगी, वरना कभी भी आपकी ट्रेन कैंसिल हो जाएगी और वो टिकट किसी और को दी जाएगी। यहाँ पर ऐसा नहीं कि इंसान कैंसिल करे तब परमेश्वर कैंसिल करे, यहाँ तो परमेश्वर खुद कैंसिल कर देंगे। तो चुने हुए लोग कौन हैं, जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के 9 फल तभी दिखाई देते हैं, ये लोग चुने हुए लोग हैं। और चुने हुए लोग बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सच्चा बपतिस्मा, फिर पवित्र आत्मा के चलाए चलना पड़ेगा, चाहे दुख आए तो दुख भी उठाना पड़ेगा, मतलब कि परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, शोकित मत करो, मतलब लगातार पवित्र आत्मा की आज्ञाकारी में बने रहो, लगातार आज्ञाकारी में बने रहो। तो जो दृष्टांत हमने पढ़ा था, जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती 22 और 1 से 14, और वहाँ पर वो इंसान था एक कि जो कपड़े पहने बिना आया था, और कपड़े क्या दर्शाता है, आज्ञा पालन, आज्ञाकारी दर्शाता है, आज्ञाकारी जिसमें नहीं दिखी तो बुलाकर भी वही लोग आए थे लेकिन आज्ञाकारी नहीं दिखी तो क्या किया, इसको बाहर डाल दो अंधकार में। तो चुने हुए और बुलाए हुए में ये अंतर है, बुलाए हुए लोग में हो सकता है चमत्कार उसके जीवन में हुए, अंधे को आँखें मिल गए हो, लंगड़ा चलता हो गया हो, 38 साल से भी ज़्यादा लंबी बीमारी तो भी परमेश्वर उसको चंगाई दे दी हो, चाहे किसने कितने भी पाप किए हो लेकिन प्रभु से उसको क्षमा की हो, लेकिन ये सारी बातों से हम स्वर्ग नहीं जा सकते। अरे प्रभु प्रभु आपने तो मालूम है मैं तो अंधा था, आपने मुझे आँखें दे दी, अब मुझे स्वर्ग में भी ले लो, तो बोले वो तो स्वर्ग धरती के लिए था, स्वर्ग में आने के लिए आँखें की जरूरत नहीं है, उसमें तो प्रभु से क्या बोलते हैं, तेरी आँख ठोकर खिलाए तो फोड़ दे, स्वर्ग तो प्रभु बोलते दो आँख के बिना भी आ जा चलेगा, वो तो धरती के लिए हमने दो आँखें दी थी। तो चुने हुए बहुत कम हैं, और बुलाए हुए मतलब जिनके जीवन में चमत्कार हुए, लेकिन चुने हुए कौन लोग हैं, जो आज्ञाकारी करते हैं।
और आज्ञाकारी करने के लिए हमें क्या चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा के फल, और तभी वो पवित्र आत्मा ही हमें आज्ञाकारी करना सिखाते हैं। लेकिन फल नहीं दिखाई देंगे, हम पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे तो पवित्र आत्मा चले जाएंगे। तो चुने हुए कैसे है? बहुत कम। तो हमें भीड़ में जाना है या कम में जाना है? कम में जाना है। तो कम में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा को पाना पड़ेगा। तो कितने लोगों ने पहले भी हमने सीखा था, कितने लोगों ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे दी। कितने लोगों ने प्रार्थना की मुझे पवित्र आत्मा दे दो। तो इसी तरह से परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहो, बुलाए हुए लोग और चुने हुए लोग।